हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू सनराइजर्स एजुकेशन विला। आई एम नीति मैम। टुडे आवर टॉपिक इज होमोनिम्स। आवर प्रीवियस टॉपिक वाज होमोफोन्स एंड टुडे इट इज होमोनिम्स। होमोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बट हैव ए डिफरेंट मीनिंग। तो होमोनिम्स में क्या होते हैं, सेम स्पेलिंग वाले वर्ड्स होते हैं और प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है, लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है। होमोफोन्स में क्या था, स्पेलिंग भी डिफरेंट थी और मीनिंग भी डिफरेंट था, लेकिन खाली प्रोनाउंसिएशन ही आपकी सेम थी। होमोनिम्स में स्पेलिंग भी सेम रहेगी, प्रोनाउंसिएशन भी सेम रहेगा, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है बो, BOW, बो। इसके दो मीनिंग निकलते हैं, एक तो बो है आपका तीर धनुष वाला बो, और एक बो है जो हम गिफ्ट रैपिंग पे बो बना देते हैं या टाई की बो बनती है वो वाले। तो आप देख सकते हैं दोनों की स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग दोनों का डिफरेंट है। तो ऐसे वर्ड्स को हम होमोनिम्स कहते हैं। डेली लाइफ में ऐसे हम बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं। आप देख सकते हैं, फर्स्ट बैट है, BAT, बैट। इसके दो मीनिंग्स हैं, एक तो बैट क्रिकेट वाला बैट, और एक बर्ड का नाम भी बैट होता है जिसको हम हिंदी में चमगादड़ बोलते हैं। तो ये जो BAT बैट वर्ड है, ये होमोनिम्स का एग्जाम्पल है। सील आप देख सकते हैं, एक बर्ड भी है और जो लेटर पर हम उसको चिपका देते हैं, सील बंद कर देते हैं, उसको भी सील बोलते हैं। नेक्स्ट पाम हथेली भी होती है और पाम ट्री भी होता है। आयरन है, लोहे को भी आयरन बोलते हैं, और जो कपड़ों को हम प्रेस करते हैं उसको भी हम आयरन बोलते हैं। तो डेली लाइफ में बहुत सारे वर्ड हम यूज़ करते हैं जिनका अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मीनिंग निकलता है। ऐसे वर्ड्स को हम होमोनिम्स कहते हैं। होमोनिम्स ग्रीक वर्ड है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक, जिनका मीनिंग अलग निकलता है, इनको हम डबल मीनिंग वर्ड्स भी कह देते हैं। होमो का मतलब होता है सेम और नेम का मतलब होता है नेम। तो होमोनिम्स सेम नेम वाले या सेम प्रोनंसिएशन वाले डिफरेंट मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं। अगर बात करें डेफिनेशंस की, तो हम कह सकते हैं होमोनिम्स आर वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड द सेम एंड साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, और होमोनिम इज ए वर्ड दैट हैज एटलीस्ट टू डिफरेंट मीनिंग्स इवन दो ऑल सीज लुक एंड साउंड एग्जैक्टली अलाइक। Or we can say that words which look or sound exactly same are called homonyms. तो किसी भी तरह आप define कर लीजिए, meaning यही है कि same spelling रहेगी, same pronunciation रहेगी, लेकिन meaning different होगा, तो ऐसे words homonyms होंगे। Homonyms are like twins. Twins means जुड़वा। जैसे दो आदमियों के एक ही नाम हो लेकिन उनके काम अलग होते हैं, उनकी पहचान अलग होती है, ऐसे ही होमोनिम्स में नाम तो सेम हो जाते हैं। नाम से मतलब आप स्पेलिंग ले सकते हैं, स्पेलिंग सेम, प्रोनंसिएशन सेम, लेकिन जो उनका फंक्शन है वो अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग रहता है। जैसे एक सिंपल सा वर्ड है रिंग। रिंग आपकी अंगूठी भी हो सकती है और रिंग जो प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट है वो भी हो सकता है। तो स्पेलिंग दोनों की सेम रहेगी, RING, रिंग। प्रोनंसिएशन सेम है, लेकिन सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि कौन से रिंग की बात हो रही है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं होमोनिम्स का, पेन। जैसा कि आप देख सकते हैं, पेन क्या होता है आप सबको मालूम है, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट। जो हम राइटिंग के लिए यूज करते हैं उसको पेन बोलते हैं, लेकिन इसका अदर मीनिंग क्या है, होल्डिंग एरिया फॉर एनिमल्स। एनिमल्स की जो रखने की जगह हमने बनाई होती है उसको भी हम पेन बोलते हैं। तो इस तरह से PEN, पेन जो वर्ड है वो होमोनिम्स है। अनदर एग्जांपल इज बुक, विच कैन मीन समथिंग टू रीड।
कोई भी बुक जो आप रीड करते हैं, उसका मतलब है पुस्तक, किताब। एंड बुक वर्ड का ही दूसरा मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ मेकिंग अ रिजर्वेशन। जैसे आप कोई टिकट वगैरह बुक कराते हैं, या कोई मूवी टिकट से, या ट्रैवलिंग की है, या कोई होटल बुक करवा रहे हैं, तो उसमें भी आप बुक वर्ड यूज़ करते हैं। तो स्पेलिंग दोनों की सेम रहती है, BOOK, और प्रोनंसिएशन भी सेम रहती है, बस मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ये भी आपका क्या हुआ, होमोनिम्स हुआ। इसी तरह और भी बहुत सारे डेली यूज के वर्ड्स हैं जो आप यूज़ तो करते हैं, लेकिन अब तक आपको ये नहीं पता था कि इनको हम होमोनिम्स बोलते हैं। जैसे राइट है, रिंग है, फ्लाई, लेटर, पाम, पार्क, सो मैनी वर्ड्स आर देयर। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बुक्स में मिल जाएंगे, यहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रीड कर लीजिए। बहुत ही सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं और हर वर्ड के दो मीनिंग निकल रहे हैं, पूरा इसमें एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना रीड करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपकी वोकैबुलरी इन्हांस होगी। चलिए अब कुछ वर्ड्स को हम सेंटेंसेस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वर्ड है बैंक। बैंक क्या होता है सबको मालूम है, एक तो ऐसा प्लेस है वेयर वी डिपॉजिट अवर कैश, ज्वेलरी, एक्स्ट्रा, जो बैंक होते हैं। एक्सिस बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सो मैनी बैंक्स आर देयर। इसका सेंटेंस क्या बनेगा, आई विल गो टू द बैंक टूडे। और अदर मीनिंग ऑफ द वर्ड बैंक इज ट्रस्ट, किसी पे ट्रस्ट करना, भरोसा करना। आई कैन बैंक ऑन यू, कि मैं आप पे भरोसा कर सकता हूँ। ये भी आपका होमोनिम्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट है बुक। बुक को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। बुक कैन बी स्टोरी बुक और रेसिपी बुक और ए बुक दैट वी रीड इन स्कूल्स और कॉलेजेस। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई फेवरेट स्टोरी बुक। एंड अनदर मीनिंग इज द वर्ड बुक इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस रिजर्वेशन सच एज आई हैव बुक टू मूवी टिक्स टूडे। नेक्स्ट है वर्ड है कैन। कैन इज ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस द कैपेबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू डू समथिंग, के मैं ये काम कर सकता हूँ। जो सकता हूँ की सेंस में वर्ड यूज होता है वो कैन होता है। आई कैन सिंग और आई कैन डांस, कि मैं सिंगिंग कर सकता हूँ, गाना गा सकता हूँ, या मैं डांस कर सकता हूँ। तो सकता हूँ इट मीन्स कैन, आई कैन। नेक्स्ट है द वर्ड कैन इज ऑल्सो रेफर टू एज ए कंटेनर टू कंटेन लिक्विड्स। दिस कैन ऑयल इज वेरी हैवी, ऑयल का कैन है, ऑयल की एक टाइप की बोतल है, टेट्रापैक टाइप में, उसको भी कैन बोल देते हैं। स्टील के कैन भी होते हैं, आपने देखा होगा, कोल्ड ड्रिंक्स आती है कैंस में। तो बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, सबको मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि होमोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लाई। लाई इज ए वर्ड दैट मोस्ट पॉपुलरली मीन्स टू रिफ्रेन फ्रॉम द ट्रूथ, झूठ बोलना। सेंटेंस है डोंट लाई टू मी, के मुझसे झूठ मत बोलो। और लाई का दूसरा मीनिंग होता है रिलैक्स करना, लेटना। आई वॉन्ट टू लाई डाउन नाउ बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड, क्योंकि मैं आराम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। तो लाई के भी टू मीनिंग्स आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट है लाइट। दिस वर्ड नॉट ओनली मीन्स लाइट, हाउएवर इट ऑल्सो मीन्स द अपोजिट ऑफ हैवी, दैट इज समथिंग विच इज ईजी टू कैरी और होल्ड। एक सेंटेंस आपका बनेगा, इट इज़ वेरी डार्क हेयर, प्लीज स्विच द लाइट ऑन फॉर मी। तो ये वर्ड हो गया लाइट के लिए, रोशनी के लिए। नेक्स्ट है माई स्कूल बैग इज वेरी लाइट, कि मेरा स्कूल बैग बहुत हल्का है। ये हो गया आपका वेट बताने के लिए, कोई बैग, कोई चीज़ हैवी है या लाइट है। तो लाइट के भी दो मीनिंग्स हो गए। नेक्स्ट है लाइक। दिस वर्ड इज़ प्राइमली यूज टू एक्सप्रेस एफिनिटी, कि आप क्या चीज़ पसंद करते हैं, किस चीज़ को प्रेफर करते हैं। आई लाइक टू ईट पिज्जाज, मुझे तो पिज्ज़ा खाना बहुत पसंद है, शायद आप सबको भी होंगे। द अदर यूजेज ऑफ दिस वर्ड इज़ टू एक्सप्रेस द सिमिलरिटी बिटवीन थिंग्स,
एक जैसी चीज़ें हैं। ही डांसेज लाइक ए मूवी स्टार, कि वो एक मूवी स्टार की तरह डांस करता है, तो यहाँ पे उनकी सिमिलरिटी बताई गई है। नेक्स्ट वर्ड है काइंड। द फर्स्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज समवन हु इज कंपैशनेट, जो बहुत ही दयालु हो। माई मदर इज़ वेरी काइंड। अदर मीनिंग कैन बी टू एक्सप्रेस द वेरियस काइंड्स ऑफ आइटम्स ऑब्जेक्ट्स, इट मीन्स उनके काइंड्स बताना, टाइप्स बताना। देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ पिज्जा अवेलेबल इन द मार्केट, मार्केट में बहुत सी तरह के पिज्जा अवेलेबल हैं, आपको कौन सा पसंद है। नेक्स्ट वर्ड है फेयर। दिस वर्ड मीन्स समवन हु इज ऑफ ए लाइटर कम्प्लेक्शन, यहाँ आपके कलर की बात गई है, स्किन टोन की बात की गई है। दिस गर्ल इज वेरी फेयर, के बहुत गोरा रंग है लड़की का। द अदर मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड इज टू बी जस्ट राइट, द ऑनरेबल जज मेड ए फेयर जजमेंट, कि उसने सही निर्णय सुनाया। तो यहाँ पे सही के लिए भी आप फेयर वर्ड यूज कर सकते हैं और कलर के लिए भी। नेक्स्ट है लॉज। दिस इज ए ट्रिकी वन बिकॉज ए लॉट ऑफ देम मेक ए मिस्टेक। लॉज वर्ड होता है, दिस वर्ड इज यूज व्हेन वी लॉज समथिंग और मिसप्लेस समथिंग, कोई चीज़ हमसे गुम हो जाती है। डोंट लॉज योर बुक। एंड द वर्ड लूज इज यूज व्हेन समथिंग डज नॉट फिट वेल, दिस शर्ट इज वेरी लूज, बहुत ढीली है शर्ट। नेक्स्ट वर्ड है विल। विल इज यूज वेरी ओफन इन सिंपल सेंटेंसेज टू एक्सप्रेस डिजायर, अपनी इच्छा बताने के लिए। आई विल गो टू वॉच ए मूवी टूडे, कि आज मैं एक मूवी देखने जाऊँगा, मेरा मन कर रहा है। द अदर मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज ए लीगल डॉक्यूमेंट दैट टॉक्स अबाउट इनहेरिटेंस, दिस इज माई ग्रैंड फादर्स विल, इट मीन्स वसीयत, जो वसीयत हम बना देते हैं उसको भी विल बोलते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक होमोनिम्स का। इसमें क्या याद रखना है आपके, के एक वर्ड होता है जिसके दो मीनिंग निकलते हैं, स्पेलिंग सेम रहेगी, प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगी, बोथ साउंड एग्जैक्टली द सेम व्हेन यू से देम आउट लाउड एंड आल्सो स्पेल्ड द सेम टू। टू अंडरस्टैंड विच वर्ड इज सेड यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट क्लूज, किस सेंस में वर्ड को यूज़ किया गया है उसके लिए आपको सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, उसको किस सेंस में सेंटेंस बोला गया है या लिखा गया है, वहाँ से आपको पता चलेगा कि जो होमोनिम्स वर्ड यूज हुए हैं वो किस सेंस में यूज हुए। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग अवर चैनल Sunrisers Education Villa.